और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद के बजट सत्र का चौथा दिन, सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। अडानी मामले की जांच पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्षी नेताओं ने बैठक में रणनीति बनाई है, तो आपको ये बड़ी जानकारी दे दें क्योंकि बजट सत्र का चौथा दिन है और आज भी उम्मीद यही है कि हंगामा होगा। सदन में हंगामे के आसार हैं क्योंकि अडानी मामले की जांच पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पर बातचीत की जाए, चर्चा की जाए और साथ ही साथ जवाब भी दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ये बात कही विपक्ष की तरफ से जा रही है कि आखिर क्यों अभी तक इसकी जांच नहीं की गई है, क्यों जब ये पता लगा था या जब रिपोर्ट आई थी क्यों उसके बाद भी इसको लाइट लिया गया, क्या इसके पीछे मंशा रही, वो तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। और अब विपक्ष जो है इस मामले में जांच पर अड़ा हुआ है और इसी को लेकर सदन में चर्चा भी चाहता है, तो विपक्षी नेताओं ने बैठक में रणनीति बनाई है। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं खबर पर। अदिति, अडानी जब से ये रिपोर्ट सामने आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद ही चर्चाओं में ये नाम और ज्यादा आ गया और जब एफपीओ वापस लेने की बात की, सब रुपए जो है लौटाने की निवेशकों को बात की, उसके बाद से विपक्ष लगातार अब जांच पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल, सदन के भीतर अडानी हिंडनबर्ग पर हंगामा लगातार बरपा हुआ है, कल भी था आज भी है और बाहर ऐसा था माहौल जैसे अलग लगातार जो है वॉकआउट, कभी हंगामे की बात हो रही है और विपक्ष चाहता है कि अडानी पर पूरी तरीके से बहस हो। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में कल भी और आज भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्य ने अडानी ग्रुप से जुड़े मामले पर चर्चा मांग करते हुए नारेबाजी करी। संसद के भीतर हंगामे का माहौल रहा और वहीं आज भी जो हंगामा बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है जब ये कहा जा रहा है कि हमको अडानी के मसले पर चर्चा चाहिए। अब देखिए, बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज भी तमाम सारे बजट पर चर्चा होनी है और लेकिन संसद नहीं चल पा रही है और आज चौथा दिन है और बजट नहीं चल पा रहा और ऐसे में कल भी 11 बजे स्थगित कर दिया गया था और आज भी लगातार हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है सदन के दोनों सदनों में। जब कल भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी उस समय भी इसी तरह के तेवर दिखाई देखने को मिले। अब ये देखना होगा कि कैसे लगातार बयानबाजी यहाँ पर चल रही है और विपक्ष अड़ा हुआ है। अब ये सत्र 10 तारीख तक चलने वाला है और इसमें भी लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों पर बहस चाहता है और उन मुद्दों पर जिन पर वो ये क्लेम करता है कि सरकार नहीं चाहती कि बहस हो और अडानी ये माना जा रहा है कि अडानी देश से जुड़ा मुद्दा है और इस पे बहस होगी तो इसमें सरकार के तार जुड़े हुए मिलेंगे। इसके विपक्ष और विपक्ष के कांग्रेस से जुड़े अन्य विपक्ष भी जो हैं वो तमाम लोग चाहते हैं कि इस पे बहस हो लेकिन जो कार्रवाई है वो दूसरी दिशा में जा रही है। ऐसे में संसद नहीं चल पा रही और लगातार हंगामे की भेंट कल भी चढ़ा और आज भी यही तस्वीरें नजर आ रही है आदित्य, क्योंकि जहां एक तरफ देखिए विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है वही अब ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये संसद टीवी की तस्वीरें हैं। गुप्ता क्वेश्चन नंबर 21 बोलिए बोलिए आप बोलिए जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश में एम्स जैसी संस्थाओं को बहुत बड़े पैमाने पर विस्तारित करके देश के करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया है। मैं धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में मेडिकल कॉलेज की बड़ी श्रृंखलाएँ प्रारंभ की, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र के 3 जिला मुख्यालयों पर 3 मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए भी दूंगा कि बजट के अंदर 174 नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ किए की घोषणा की है, उसमें भी मेरे संसदीय क्षेत्र को लाभ होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एम्स जैसी सुविधाओं में क्या मेरे संसदीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों का एक समूह बनाकर और बीमारियों के स्पेशलाइजेशन को करते हुए क्या मिनी एम्स को लाने का राज्यों के साथ कोई समझौता करके प्रस्तावित करेंगे क्या?
ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उनके क्षेत्र में एम्स जैसी सुविधा जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एम्स का विजन ही बना रहा कि लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिले, टर्शरी केयर मिले, रिसर्च पे काम हो और उन्हें उसके साथ ही बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को कि जहाँ हमारा एक एम था, अभी 22 एम्स बनने जा रहे हैं जिसमें से 6 फंक्शनल है और जिसमें मध्य प्रदेश में जो है वो भोपाल में एम्स जो फंक्शनल है। माननीय सदस्य ने जैसे कहा है कि उन्हें एम्स जैसी सुविधा चाहिए, तो ज़रूर उस तौर पे केंद्र सरकार काम कर रही है और जिसमें आज भोपाल में हमारे 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए बजट भी दिया गया है, उसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज को भी बजट दिया गया है जो कि अच्छे पैमाने पे सुविधा देंगे। मैं आदरणीय सदस्य को यह कहना चाहती हूँ कि सरकार की मंशा ये है कि गांव-गांव तक अच्छी सुविधा पहुँचे, जिस दिशा में आज हमारी सरकार काम कर रही है। महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में जो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होकर निर्माण के लिए और तैयार हैं, एक मेडिकल कॉलेज में एजुकेशन की सुविधाएं प्रारंभ हो गई रतलाम में, मंदसौर और नीमच 2 मेडिकल कॉलेज में आप क्या इसी सत्र से शैक्षणिक सुविधाएं प्रारंभ करेंगे क्या? माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के अंदर आज देश के चिकित्सा के संबंध में, G20 के विषय में, रक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल है और आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलता है। प्रश्नकाल समय पे सरकार की जवाब देते कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। आप सदन की मर्यादा नहीं है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है। देश के अंदर पहले जनजाति समुदाय से महिला राष्ट्रपति बनी है, जिन्होंने केंद्रीय कक्ष में अपनी बात को रखी है। हम उनको धन्यवाद नहीं देना चाहते, सदन पर चर्चा नहीं करना चाहते। राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना, ये उचित नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें।